सोलन के कंडा घाट में आग का तांडव देखने को मिला। सुखद बात ये रही कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मिली जानकारी के अनुसार फोरलैन निर्माण में जुटी कंपनी द्वारा सड़क किनारे कर्मचारियों के लिए अस्थायी तौर पर रहने की व्यवस्था के लिए कंटेनर लगाए गए हैं। इन कंटेनरों में अचानक से आग लग गई, जिसकी वजह से लाखों रुपए का सामान राख हो गया। जैसे ही आग लगने की सूचना दमकल विभाग को मिली, सोलन में दमकल विभाग की गाड़ियां दनदनाती हुई तुरंत घटनास्थल कंडा घाट पहुंची और काफी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। अगर इसमें रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो ये एक बड़ी घटना हो सकती थी, क्योंकि जिस कंटेनर में आग लगी थी वहां दो गैस के सिलेंडर भी मौजूद थे। अधिक जानकारी देते हुए दमकल अधिकारी राजा राम ने बताया कि जानकारी मिलते ही उनकी टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। उन्होंने बताया कि मौके पर चार कंटेनर थे जिसमें ये आग लगी हुई थी। कंटेनरों में फोर लाइन निर्माण से जुड़े कर्मचारी रहते थे जिनमें गैस के सिलेंडर भी मौजूद थे। कंटेनरों में रखा मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य कीमती सामान जलकर राख हो गया है। उन्होंने बताया कि करीबन 2.5 लाख रुपए का नुकसान इस आग की वजह से हुआ है। अगस्त में रहते ये आग बुझाई नहीं जाती तो आग के साथ साथ लगते कई होटल राख हो जाते और उसकी भी करीबन 50 लाख की संपत्ति को नुकसान पहुंच सकता था। दमकल अधिकारी के अनुसार चार कंटेनरों में 36 कर्मचारी रहते थे। यहाँ ये सवाल उठता है कि कोरोना काल में जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, वहाँ इतने ज्यादा लोग एक साथ क्यों रह रहे थे। बताया जा रहा है कि अगर कंटेनर में अगर कोई व्यक्ति गलती से फंस जाता तो उसका निकल पाना असंभव था। इसलिए जिला प्रशासन को चाहिए कि वह घटनास्थल पर सुरक्षा का जायजा ले और कमियों को दूर करने का निर्देश दे, ताकि भविष्य में कोई जानी नुकसान न हो। कंडा घाट में आग जो है 11:06 पर हमें आग की सूचना मिली थी। जैसे ही हमें आग की सूचना मिली, हमने तुरंत 2 टर्न आउट घटनास्थल के लिए रवाना किए। चंबा घाट में जब हम पहुंचे तो वहाँ रेल क्रॉसिंग के साथ जो है रेल क्रॉस कर रही थी, वहाँ पे हमारे 10 मिनट खराब हो गए। उसके बाद जब रेलवे क्रॉस हुई तो उसके बाद हम आगे कंडा घाट पहुँचे, वहाँ जाके देखा तो लिविंग कंटेनर में जो है आग लगी थी। चार कंटेनर थे NH वालों के, उसमें जो है ये चार ओर से आग फैल चुकी थी। हमने तुरंत कार्रवाई करके आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया। इसमें जो है जो लोग रह रहे थे उनका सामान, कंप्यूटर, लैपटॉप, सेलफोन, कपड़े इत्यादि सब कुछ जलकर राख हो गया। इससे हमने 2 सिलेंडर बाहर निकाले हैं, बाकी जो है 2 कंटेनर साथ में होटल को बचा दिया गया। सर क्या इसमें कोई जानमाल का भी खतरा हुआ? नहीं, इसमें किसी भी प्रकार का जानमाल का कोई खतरा नहीं है। आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। तो सर तकरीबन कितना इसमें कितने का नुकसान हुआ है? इसमें लगभग 2,50,000 के आसपास नुकसान हुआ है। बचाई गई संपत्ति 50 लाख और इसमें नुकसान लगभग 2.5 लाख के।